नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टॉरिन तनुजा। आई होप आप सब ठीक है। वापस चलते हैं गोराई। इस बार का रीजन मगर कुछ स्पेशल है, दिखाती हूँ आपको व्लॉग में। आप इस बार बहुत लोगों से मिलोगे। सो ये व्लॉग तारा का बर्थडे स्पेशल है, या बर्थडे वीक उसका स्टार्ट हो गया है। उसका बर्थडे तो है 4 मार्च को, बट हम ये 26 फेब को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि बर्थडे वीक स्टार्ट हो गया है। और मेरी जो फैमिली है मुंबई में भी रहती है, हैदराबाद में भी रहती है, मेरे इन लॉज मुंबई में हैं। तो तारा की बुआ, दादी, उसके दादा और उसके फूफा जो है, सब हम यहाँ पर रहते हैं। और मेरे भाई, भाभी और मम्मी हैदराबाद में रहते हैं। तो दोनों जगह सेलिब्रेट करना था, तो सोचा पहले यहाँ पे सेलिब्रेट कर लेते फिर जाएंगे। तो इस व्लॉग में आपको पूरी मेरी इन लॉज के साइड की फैमिली दिखेगी, तो देखते रहिए। तो ये मरून में जो है वो मेरी सास है, और बाजू में है बोईसा की पीसी, मतलब मामूनी की दीदी, और ये हस्बैंड है उनके, और ये उनकी बेटी। और ये वाइट फ्रॉक में जो है वो मेरी ननंद है। तो हम चादर बिछा दिए वहाँ पे, थोड़े हाइट में बैठ गए, ये बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट करने लग गए। क्योंकि पहले ही सोचा कि हम जब तक सेट है अपने बाल वाल कपड़े वपड़े लेके, तो पहले बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते, क्योंकि फिर एक बार पानी में चले जाएंगे तो धूल मिट्टी सब हो जाएगा और तब फोटो क्लिक्स करने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने विंकीज़ के केक ले लिए थे, एक बनाना वॉलनट लिया था और एक मिक्स फ्रूट ले लिया था। क्रीम वाले केक मैंने अवॉइड किया क्योंकि बहुत सारा सामान भी कैरी करना था, उसके बीच में अगर दब जाता तो पूरा वो केक खिचड़ी बन जाता, तो वो अवॉइड कर लिया। और तारा को वैसे भी ये वाले केक्स अच्छे लगते हैं, तो सोचा उसको जब पसंद ही है तो ये वाला केक ले लेते। और बच्चों के लिए मैंने 6 चोकोबेक्स ले लिया था, क्योंकि बच्चों को क्रीम वाला ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने इसके लिए चोकोबेक्स ले लिया। सो
ही हमारा सेलिब्रेशन हो गया। हमने मेक श्योर किया कि जो भी कचरा हम कर रहे हैं वो हम एक गार्बेज बैग में हम लोग ने कैरी कर लिया उसको, क्योंकि हम बोलते बहुत बार है कि गवर्नमेंट ये नहीं करता वो नहीं करता, बट जितना हमारे हाथ में है वो अगर हम कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा करके अगर हर कोई कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो हमारा सिटी, हमारा देश काफ़ी क्लीन हुआ रहेगा। तो प्लीज़ ये थोड़ा अपना, जब आप पब्लिक प्लेस एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो आप वैसे क्लीन भी कर देना बाद में। ये तारा का ड्रेस काफी प्यारा लग रहा है ना, ये मामूनी ने गिफ्ट किया था उसको। वरना आपके साथ बुरा हो जाएगा मम्मा, उसका नजर लगा दूंगा। फिर ये सब सेलिब्रेशन हो जाने के बाद हम एक 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 करके तैयार होने लग गए बीच वेयर में, क्योंकि वो पानी में भी निकलना था हमको और फिर बाद में लंच भी तो करना था। तो बट मैं ज़्यादा पानी वाला शूट नहीं कर पाई, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे, बट मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे नमकीन पानी था और मेरा कैमरा डैमेज हो जाता, और हम सब पानी में निकल लिए थे तो कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं था। तो आप देखिए अभी हम कैसे क्या एंजॉय कर रहे हैं। हमने लंच के लिए बिरयानी ऑर्डर किया था, बिरयानी मैं घर से लेके आई थी, मतलब बनाया नहीं था, वो टोप वाली बिरयानी नहीं होती वो हमने ऑर्डर कर लिया था। तो वैसे हम लोग ने सब लंच कर लिया। हम कितने 3-4 घंटे के लिए थे वहाँ पे, ज़्यादा देर रुके नहीं थे क्योंकि हाई टाइड होने आ गया था। तो ऐसा रहा तारा का सेकेंड बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये तो रहा पार्ट 1 सेलिब्रेशन, अभी दूसरा जो पार्ट आने वाला है वो हैदराबाद से आने वाला है। हैदराबाद निकल रही हूँ मैं कल रात को, ट्रेन से ही जा रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता वो हैदराबाद पहुँचने के लिए। रात को बैठ जाऊँगी तो नेक्स्ट डे 12 बजे तक पहुँच जाऊँगी। तो इसके लिए अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बने रहिए। तो इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है हैदराबाद का, थोड़ा ग्लिम्स मैं दिखा दूंगी आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड सपोर्ट हमेशा आपका रहता है, प्यार हमेशा आपका मिलता है, थैंक यू ये सब के लिए। और इस बार थोड़ा प्लीज़ मेरे तारा को ब्लेस कर देना, गुड विशेज़ दे देना उसके लिए। थैंक यू फॉर बींग विथ मी।